नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। खबर कानपुर से है, जहां ट्राई द्वारा ट्राई न्यू टैरिफ ऑर्डर पार्ट 2 लागू करने के विरोध में आज उत्तर प्रदेश के केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने ACM यशवंत राव द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल उत्तम ने बताया कि सरकार ट्राई न्यू टैरिफ ऑर्डर पार्ट 2 लागू करने जा रही है और मौजूदा हालातों को देखते हुए अगर इसे लागू किया गया तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही लाखों लोगों पर तलवार भी लटक जाएगी, जिसके चलते पूरे देश के केबल टीवी ऑपरेटर बेरोजगारी और भुखमरी की नौबत पर आ जाएंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज इंडस्ट्री अपने वजूद को लेकर असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ट्राई के पहले टैरिफ ऑर्डर ने उपभोक्ताओं को केबल टीवी देखना महंगा तो किया ही, साथ ही साथ कई उपभोक्ता आज बिना केबल टीवी के यानी बिना मनोरंजन के शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। इसका पूरा श्रेय भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय और ट्राई को जाता है, जिन्होंने सिर्फ ब्रॉडकास्टर के हितों का ध्यान रखते हुए 300% की ग्रोथ देकर उनके रेवेन्यू को सुरक्षित कर लिया था और आगे भी ब्रॉडकास्टर को मूल्य बढ़ोतरी की छूट देकर उपभोक्ता को ही लूटना चाहते हैं। इस समस्या के चलते प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के तत्वावधान में कानपुर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा आज अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर को प्रधानमंत्री प्रेषित ज्ञापन दिया गया है और इसमें मांग किया गया है कि टाई व सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो NTO 2 लागू किया जा रहा है हिंदुस्तान के केबल ऑपरेटरों भाइयों पर, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो लाखों लाख केबल ऑपरेटर भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे और ये सीधा सीधा असर जो बोझ पड़ेगा जो छोटे यहाँ के हमारे उपभोक्ता हैं आम जनता पर पड़ेगा जाएगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से प्रेषित ज्ञापन में हम लोग मांग की है कि तत्काल प्रभाव से NTO 2 को वापस लिया जाए और जो सालों साल से 25-30 साल से केबल ऑपरेटर आज हम लोग जितनी मेहनत संघर्ष करके आज केबल यहाँ पर आए हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, उसको लेकर उसको सकुशल चलाया जाए। और एक और हम मांग माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, जिस ढंग से कोरोना काल के अंतर्गत दो डॉक्टर को, पत्रकार भाइयों को और सफा कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का संज्ञा दी गई है, ऐसे केबल ऑपरेटर भाइयों को भी कोरोना योद्धा के नाम से दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 2 साल में हम लोग कोरोना के अंतर्गत घर घर जा करके आम जनता और समाज को घर में रहने के लिए मजबूर किया और उनको घर में प्रसारण और मनोरंजन का कार्य किया है, हम लोग भी पूरा हिंदुस्तान का केबल ऑपरेटर बधाई के पात्र हैं और उनको भी कोरोना योद्धा के नाम से संज्ञा दी जाए। अब आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए जन संदेश टाइम्स के साथ।